तो आज 3 जून याद आ रहा है, आज 3 जून के आज ही का दिन और शुभ दिन है। परमार्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्रद्धेय चिदानंद सरस्वती जी महाराज पूज्य स्वामी जी का आज 69वां जन्म दिवस है। हर वर्ष तो हम वही मनाते थे, लेकिन इस बार ये कोरोना में इतनी रिस्ट्रिक्शन थी तो फिर वहाँ पे भी कुछ आयोजन इतना हो नहीं पाया था, इसलिए हम यही कथा गा रहे हैं। पूज्य महाराज जी का सानिध्य मिला, उनसे एक बड़ी सुंदर सीख ली। आपका जीवन तो माँ गंगा के लिए, पर्यावरण के लिए समर्पित है, समाज के कल्याण के लिए जो उन्होंने किया, जो माँ गंगा के लिए, जो पर्यावरण के लिए किया है वह अवर्णनीय है, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। और मैं इतना पर्यावरण प्रेमी नहीं था, जब तक स्वामी जी से नहीं मिला उससे पहले मैंने एक भी पौधा नहीं लगाया, मुझे मेरे अवगुण कहने में कहीं संकोच नहीं। पर जब से स्वामी जी से मिला, उनके वो पर्यावरण के प्रेम को देखा, तो मन में मेरे भी कुछ ललक जागृत हुई, उनके उन विचारों को मैंने अनुसरण किया और इस क्षेत्र में अपने केशवप्रिया गौशाला और रघुवंशपुर आश्रम में पेड़ों को लगाया। अब धीरे धीरे ये पेड़ बड़े हो रहे हैं, तो ये उन्हीं का आदर्श मेरे जीवन में रहा। तो आज पूज्यपाद स्वामी जी का जन्मदिवस है। मैं व्यासपीठ से और पूरे मानस परिवार की तरफ से और समग्र हमारे मानस प्रेमियों की तरफ से पूज्यपाद स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और मेरे परमात्मा से, मेरे राम जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घ आयु होइए, आप स्वस्थ रहिए और आप ऐसे ही देश समाज की सेवा करते रहिए और माँ गंगा के निर्मल होने का चिंतन करते रहिए। माँ गंगा अविरल बहती रहे और शुद्ध रहे, पर्यावरण बढ़े, शुद्ध रहे, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं, आपके भावों का अनुसरण करके इन्हीं विचारों इन्हीं भावों के साथ में मैं पूज्य महाराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भी दूंगा और पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन भी।